मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी फिरदौसिया कब्रिस्तान में। आज ईद उल फितर हुई है, यहाँ पे नमाज माशाल्लाह और बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है माशाल्लाह, रिकॉर्ड ब्रेकिंग यहाँ पे रश हुआ है इस दफ़ा माशाल्लाह। और फिरदौसिया कब्रिस्तान की पूरी मैनेजमेंट ने माशाल्लाह बहुत उम्दा इंतजाम कर रखे थे, फैंस थे, शरबत की सबील थी और हर तरह के कबूर के ऊपर इंतजाम थे, पानी की बोतलें, ईच एंड एवरी थिंग वॉज देयर। तो आइए फिरदौसिया कब्रिस्तान के रूह रवा माशाल्लाह कन्वीनर फिरदौसिया कब्रिस्तान जनाब ख्वाजा आबाद साहब से थोड़ी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई। ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अंजुमन हुसैनिया के विजन को समझते हुए अंजुमन हुसैनिया ने जो टास्क आपको सपोर्ट किया है आप बहुत उम्दा तरीके से उसको परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये किसी भी शख्स की एक शख्सी जीत भी है, इज्तिमाई जीत भी है कि जब वो अपने दिए गए टास्क को प्रॉपर्ली कर रहा हो। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम भाई? ये तो सिर्फ अंजुमन हुसैनिया कौम ख्वाजगान की जीत है, यानी मैं उसको ज़ाती हैसियत से कुछ भी नहीं समझूंगा। ये तो खुदा ने हमें मौका दिया है हर एक को अपना रोल प्ले करने का। नस्ल दर नस्ल 1906 से जो सिलसिला चल रहा है उसको मुख्तलिफ सदूर ज़ोर साहब से होता हुआ, मुबारक मुंगला साहब से होता हुआ, काजिम अली काजी साहब के पास आया, और कन्वीनियर्स भी इसी तरह फिरदौसिया के बेश ज़बरदस्त कन्वीनियर्स की टीम गुजरी होगी और उस तक ही आया है। और हमें भी यहाँ नहीं सदा रहना, आगे कोई आएगा और वो अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा। ये हमारा काम है कम्यूनिटी को सर्व करना और अंजुमन हुसैनिया उसमें हाजिर है माशाल्लाह। खैर साहब, आज मैंने जितने लोगों से भी बात की है उन्होंने भी बहुत माशाल्लाह सराहा है। कुछ लोगों ने बात की है कि अगर इसको सोलर पे कन्वर्ट किया जाए और यहाँ पर इंतजाम साउंड के भी हों जो मुस्तकिल आवाज़ आती रहे, तो ये वही बात है जो आप भी आज कह रहे थे। तो इस हवाले से आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, इसमें गुजारिश ये है कि एक ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है। आप देख सकते हैं वायरिंग अंडरग्राउंड हुई है, लाइट्स पोल्स लगे हैं, सीवरेज का काम हुआ है। इसी तरीके से हमारी लास्ट ईयर जो रिक्वायरमेंट थी वो खुदा ने यकीनी तौर पे अपने करम से एक डोनर के थ्रू पूरी की। अगर आप कैमरामैन दिखाए तो ये जो लास्ट ईयर यहाँ पे सारे टेंट लगे हुए थे और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये परमानेंट शेड बन चुका है जो तमाम मजालिस में इस्तेमाल हो रहा है, तीन शाबान के अमाल में इस्तेमाल हो रहा है, रमज़ान की इफ्तारियों में लोग बाहर बैठ के खा रहे हैं और इंशाल्लाह मुहर्रम की मजालिस में इस्तेमाल होगा। इसी तरह आज नेक्स्ट यानी काजी साहब के विजन के तहत इम्प्रूवमेंट दर इम्प्रूवमेंट लाते हुए अब इस वक्त चूँकि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ गई है और हमारा इट्सेल्फ बिल 25,000 से 40,000 to 50,000 पर चला गया, अब हम सोलर की ज़रूरत समझते हैं ताकि इस बिजली की कॉस्ट पर यूनिट बहुत हाई है। और ऑलमोस्ट जो हमने उसको होमवर्क किया है कि हमें 1.5 मिलियन का ये अगर सोलर का प्रोजेक्ट कोई भी साहब डोनेट कर देते हैं तो इंशाल्लाह हम जो है वो बिजली में सफिशिएंट भी हो जाएंगे और हमारा बिल भी जीरो ऑलमोस्ट हो जाएगा। बहुत बड़ी खिदमत होगी जो भी जी जी। देखिए ये अंजुमन अभी रिसेंट डोनर्स 1,70,00,000 रुपए सॉरी 1,70,00,000 रुपए एक और काजी साहब की लीडरशिप में यहाँ भी लास्ट टाइम मीडिया ही के तवस्सुत से आप जानते हैं आप ही को ये खुदा ने एजाज दिया है 2006 में KYF की कंपेयरिंग और अब यहाँ पे भी तो उसमें आपने कहा लोगों तक मैसेज पहुँचा और एक ही डोनर ने हमें ये टोटल 15,00,000 रुपए का छत का बनवा दिया था। और इसी तरह यकीनी तौर पर इंशाल्लाह सोलर में भी ये होगा। दो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, सोलर के प्रोजेक्ट की जो पहली प्रायोरिटी है, नंबर टू सब लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान में अगर तिलावत कुरान पाक चल रही हो पूरे कब्रिस्तान में तो एक बड़ा एडिट जो होगा वैल्यू एडिट हो जाएगा, लोग मरहूमीन तक भी आवाज़ें पहुंच रही होंगी, हवाई हम भी सुन सकेंगे। उसका भी प्रोजेक्ट को तकरीबन 15 से 18 लाख रुपए का टोटल अंडरग्राउंड वायरिंग होगी, साउंड सिस्टम्स लगेंगे। तो इंशाल्लाह ये दो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और अल्लाह पाक करम करेगा कि यकीन तौर पूरी होंगी इंशाल्लाह। ख्वाजा साहब ने बताया कि इनके आने वाले दो हदफ में एक तो सोलर पर इंशाल्लाह फिरदौसिया कब्रिस्तान जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह यहाँ पर जो है हमारे जो साउंड सिस्टम है वो बहुत अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह तमाम कबूर तक कुरान पाक की आवाज़ और दुआओं की जोशन कबीर दुआए कुमैल दुआए तवसल इंशाल्लाह जाती रहेगी। ख्वाजा आबाद साहब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका और इंशाल्लाह गाय बगाए हम आपसे अपडेट भी इस हवाले से लेते हैं। शुक्रिया। आज का दिन भी आप देख सकते हैं कि हम अंजुमन हुसैनिया के और काई साहब के वजह देसी घी में नाश्ता जो जिन लोगों ने नमाज पढ़ी है ऑलमोस्ट 1,200 to 1,500 लोगों को नाश्ता दिया गया है और इसी तरह बादाम का और संदल का ऑर्गेनिक शरबत जो है वो उसका अरेंज किया गया था। अंजुमन हुसैनिया कोशा है तमाम लोग जो उससे कनेक्टेड हैं उनकी खिदमत के लिए और मिल के ये फैमिली
जो है वो बढ़ती रहे। बिल्कुल ठीक है। देसी घी में नाश्ता था जी, और माशाल्लाह संदल और बादाम का ऑर्गेनिक शरबत बिल्कुल तैयार, बिल्कुल ज़बरदस्त जो है वो माशाल्लाह लोगों तक पहुंचाया गया है। तो ये आज की कारकर्दगी है जो कि बेहतरीन है, उसको हम सब मिलकर सलूट करते हैं और सराहते हैं, और इंशाल्लाह बेहतरी की गुंजाइश है और रहेगी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह खादर साहब की ये तरक्की का सफ़र, फिरदौस कब्रिस्तान की तरक्की का सफ़र इंशाल्लाह जारी हो सारी रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम।